हैं? ये मालिक को क्या हो गया, इतनी सर्दियों में भी क्यों नहाता है? हैं? यार ये तो मुझे पेट्रोल लग रहा है, मालिक खुदकुशी क्यों कर रहा है पता करता हूँ। मालिक 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 ये आप क्या कर रहे हैं मालिक, छोड़ दे इसे। क्या हुआ? मर जाने दो मुझे। मर जाने दो? ऐसे मर जाने दो? माना के सर्दी बहुत है लेकिन इतनी भी नहीं कि बंदा आप खुद को आग लगा दे। अरे बेवकूफ आदमी, तुझे क्या लगता है कि मैं सर्दी की वजह से खुद को आग लगा रहा था? मैं अपना खर्चा बचा रहा था। खर्चा बचा रहा था? ये कैसा खर्चा बचा रहा था? मालिक तू मर जाता तो उल्टा दुगना खर्चा हो जाता, 20-30 देगे पकानी पड़ती। आखिर तू इस इलाके का चौधरी जो है। ऐ मुख्तियार, किस चीज का चौधरी? आजकल जो मेरे साथ हो रहा है मुझे एक मिनट नहीं लगना चौधरी से भिखारी बनने में, इसलिए मैंने सोचा खुद को आग ही लगा देता हूँ। मालिक मुझे तो बता आखिर ऐसा क्या हो गया, क्या पता मैं तेरे कुछ काम आ सकूं। तो मेरा पुत्र तू मेरे जिस काम आ सकता है वो तू आ रहा है, अब तेरे जैसे अनपढ़ से मैं मशवरे लूंगा कि मुझे क्या करना है, जा दफा अपना काम कर। मालिक बेशक मैं मानता हूँ कि मैं अंगूठा छाप हूँ लेकिन अल्लाह पाक ने हर किसी को बराबर अकल दिया है, हो सकता है कि मैं आपके काम आ जाऊँ, आप एक बार मुझसे मशवरा करके तो देखें आखिर मसला क्या है, क्या पता मैं आपके मसले का हल बता दूँ। अगर तू सुनना ही चाहता है ना मुख्तियारे तो सुन, आजकल है इलेक्शन का दौर, इलाके में जितने भी MP MNA के उम्मीदवार हैं सारे मेरे पास 10 बंदे लेकर आ जाते हैं, अब तू बता मैं 10-12 बंदों को 3 टाइम खाना खिला सकता हूँ? हाँ चौधरी साहब ये बात तो आपकी ठीक है, डेली 50-60 बंदे आपके यहाँ से रोटी खा जाते हैं। अब तू बता मुख्तियारे, अब हर दूसरे घर से जो MP MNA का उम्मीदवार खड़ा हो गया है मैं उनके 100 बंदों को 3 टाइम खाना खिला सकता हूँ? चलो खाना तो एक साइड हो गया ना, मैं अब सारे बंदों को वोट दे सकता हूँ भला, मैं सीधे मुँह ना भी नहीं कर सकता, आखिर इलाके का चौधरी हूँ। हाँ चौधरी साहब अब आप इलाके के चौधरी हैं, किसी को झूठ भी नहीं बोल सकते और किसी को मना भी नहीं कर सकते, बाकी वोट तो आपका सिर्फ एक ही है, आप किस किस को देंगे? बस यार इसी वजह से तो मैं ये सब कर रहा था ताकि जान ही छूट जाए। चौधरी साहब मेरे पास इसका हल है, कौन इधर करें। अरे वाह मुख्तियार, क्या तुझे यकीन है कि तेरा प्लान काम करेगा? चौधरी साहब आप बेफिक्र हो जाएं, 100% ये फार्मूला काम करेगा, आप बस सुकून से जाके घर सो जाएं, शाम को आके मुझसे रिपोर्ट लीजिएगा। चुल्ली सर अगर ये चौधरी हमारे हाथ आ गया ना तो समझे पूरे बेल्ट का वोट हमारा होगा। हाँ सेक्रेटरी तू घबरा मत, मैं कई दफा चौधरी के काम आया हूँ, क्या आप चौधरी हमारे काम नहीं आएगा? आज आने दो इलेक्शन के उम्मीदवारों को, देखो तो सही मैं इनके साथ करता क्या हूँ। अस्सलाम वालेकुम, इलेक्शन के सिलसिले में हम आपके पास आए हैं। क्या तुम लोग वोट मांगने आ गए हो? ओए तुम्हें नहीं पता चौधरी साहब का सिर्फ एक ही यार है, नाम है जिसका जूली, इंतखाबी निशान है जिसका मूली, और तो और चौधरी साहब ने सख्ती से पूरी बस्ती में कह रखा है कि वोट सिर्फ उसके यार जूली का होगा, लिहाजा आप लोग यहाँ से तशरीफ ले जाएं, आपका काम नहीं बनेगा क्योंकि वोट सिर्फ मूली का है, मूली का। अरे भाई मैं जूली ही तो हूँ। आप जूली हैं? जूली सर कहाँ हैं आप? जूली सर हमारे तो भाग ही खुल गए, तशरीफ रखे। काश के मैं अंधा ना होता तो जूली सर की अपने आँखों से दीदार करता। ओहो तुम अंधे हो, चलो मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ आपकी आँखों के इलाज के लिए, बाकी इलेक्शन के बाद जितना खर्चा होगा हम देंगे आपको। अच्छा तो फिर मूली जूली सर आप भी मुतमईन हो जाएं, आपकी अमानत आपका वोट पूरी बस्ती की तरफ से आपको पहुंच जाएगा, आपको दोबारा यहाँ आने की कोई भी तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी, शुक्रिया। रोकड़ा, मैं कहता नहीं था तुझे मैं चौधरी के बहुत काम आया हूँ, अब चौधरी काम आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन के सिलसिले में आपसे मिलने आए थे। क्या इलेक्शन के सिलसिले में? अरे तुम लोगों को नहीं पता कि चौधरी का वोट सिर्फ काशी भट्टे वाले के साथ होता है जिसका ये इंतखाबी निशान है ईंट, और उसके अलावा जो यहाँ वोट मांगने आएगा उसको ये ईंट दूंगा सर में। अरे भाई गुस्सा मत करो, मैं ही तो हूँ मलिक काशी भट्टे वाला। अच्छा किधर है?
मलिक साहब, आपको दोबारा यहाँ तशरीफ लाने की कोई जरूरत नहीं, आपकी अमानत आप तक पहुँच जाएगी, ये हमारा वादा है, आप जाएं। मलिक साहब, आपके ये पक्के वोटर हैं, एमपीए बनने के बाद इसकी आंखों का इलाज तो करवा देना। जी जी जरूर। चौधरी साहब, हमारा प्लान कामयाब हो गया। क्या वाकई, अब कोई उम्मीदवार हमारे डेरे पर नहीं आएगा? हाँ चौधरी साहब, ऐसा काम किया है कि अब कोई भी उम्मीदवार यहाँ नहीं आएगा। और तो और चौधरी साहब, मैंने 25,000 की दिहाड़ी भी लगाई है, ये देखें। ओए मान गया मुख्तियारे।